हाय एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कटोरी चाट की रेसिपी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और चाट तो सबको पसंद ही होता है, तो आज हम बनाने वाले हैं कटोरी चाट, जिसकी कटोरी हम बनाएंगे मैदे से। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना है, ऑयल को बहुत अच्छे से आपको मैदे में मिक्स करना है, बिल्कुल जिस तरह से क्रम्बल हो जाता है, तो मैदा थोड़ा सा क्रम्बल हो जाना चाहिए। तो अच्छे से आपको इसी तरह से रब करते हुए आपको मिक्स करना है, कम से कम 2 से 3 मिनट आप अच्छे से इसे रब करते हुए मिक्स करें। और इसके बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक स्मूथ आटा लगाएंगे। बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है, मीडियम आटा लगाना है आपको, और इसे स्मूथ कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, यहाँ पर लगभग मुझे 1/2 कप पानी लगा है, ज़्यादा नहीं लगा है। और तो ये आटा लगकर तैयार हो चुका है। अब आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे स्मूथ कर लीजिए और अब हम इसे साइड रख देते हैं और अब चलते हैं स्टफिंग बनाने की प्रोसेस में। तो स्टफिंग के लिए मैंने वाइट चना को रात भर सोक किया था और उसे बॉईल कर लिया है। आप चाहें तो ब्लैक चना भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब तड़के के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच घी डाला है, देसी घी। इसमें डालेंगे जीरा, राई, ग्रीन चिली, अदरक और इन सारी चीज़ों को अच्छे से सॉटे कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे चना, वाइट पीस, आप चाहें तो ब्लैक चना भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे ड्राई मसाला। तो 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया, 1/2 छोटा चम्मच नमक और जीरा पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर, और आप चाहें अगर आप तीखा खाते हैं तो आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्किप किया है। तो ये हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं कटोरी बनाने की प्रोसेस में। तो इस तरह से आपको पूरियाँ बना लेनी है, बहुत ज़्यादा मोटी और बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनानी है, एकदम मीडियम बनाना है। और इस तरह से आप नाइफ से इसमें थोड़े थोड़े से होल कर दीजिए, नहीं तो ये तलते टाइम फूल जाएगी। तो इस तरह से आप होल कर दीजिए। और अब हम एक कटोरी लेंगे, एक मीडियम साइज़ की आप कटोरी लें और इस तरह से इसे फोल्ड करना है। आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरह से आपको कटोरी बनानी है। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, अब इसे हम नाइफ से काट लेंगे। तो इस तरह से आप कट कर लीजिए और अब हम इसे डालेंगे गरम गरम तेल में। इस प्रोसेस को आप थोड़ा सावधानी से करें, हमारा जो ऑयल है वो गर्म होना चाहिए। और इसे हम पलट पलट के अच्छे से चारों तरफ से इसे बहुत अच्छे से हमें फ्राई करना है। और ये कटोरी जो है ऑटोमेटिक मैदे वाली कटोरी को छोड़ देगी। तो इस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरह से अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो कटोरी है वो निकल जाएगी। तो इसे पलटा दीजिए और ये हमारी कटोरी जो है वो अलग हो गई है और मैदे की कटोरी बन गई है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप एक बार इसे ट्राई कीजिए, सेकेंड बार में ये बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो इसे अच्छे तरह से आपको गोल्डन ब्राउन करना है, क्रिस्पी करना है और ये हमारी कटोरी जो है बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से बाकी की सारी कटोरियां हम बना लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे हमारी स्टफिंग। तो स्टफिंग आप कोई भी हेल्दी स्टफिंग भी डाल सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो आप वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो हमने चना फ्राई किया था वो डाला है, तो थोड़ा सा चना डाला है। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बॉइल्ड पोटैटो, आप चाहें तो पोटैटो टिक्की भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बॉइल्ड आलू डाले हैं और अब हम इसमें थोड़ा सा हेल्दी टच देना चाहते हैं तो स्प्राउट डाला है, मूंग स्प्राउट। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, पर स्प्राउट से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, स्वाद अनुसार नमक, आप चाहें तो रेड चिली भी डाल सकते हैं, बट मैंने रेड चिली अवॉइड की है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये सारे मसाले डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे इमली की चटनी। तो ये सारी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगती तो आप ज़्यादा डालें, कम अच्छी लगती तो कम डालें। और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे दही। तो दही, फ्रेश दही का यूज़ करें और पहले उसे अच्छे से क्रीमी कर लें, उसके बाद इसमें डालें। तो 2 चम्मच यहाँ पर दही डालें, उसके बाद यहाँ पर डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, आप और भी वेजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके ऊपर अब हम डालेंगे सेव। तो दोनों कटोरियों में इस तरह से आप सेव डाल दीजिए। तो ये हमारा जो कटोरी चाट है बिल्कुल रेडी है। आप इसके अंदर एक्स्ट्रा आपको जो भी पसंद है वो डाल सकते हैं, ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया या मिंट डाल सकते हैं,
या हरी चटनी भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल चाट कटोरी है। ये हमारी कटोरी चाट बिल्कुल रेडी हो गई है। आई होप आपको पसंद आई होगी। बहुत ही सिंपल है, घर में जो इंग्रेडिएंट है उसी के साथ आप इसको बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसे ट्राई करके एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।